तो आ गए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ येलो टोमेटो, स्वागत करता हूँ आपके एक और गेम प्ले वीडियो में। तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ शैडो फाइट अरीना। तो ये एक पीवीपी बेस्ड गेम है और एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया। तो स्टोरी मोड से अच्छा है कि मैं पीवीपी वीडियोस अपलोड करूँ शैडो फाइट के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैच लग चुका है हमारा यहाँ पर। तो हीरो सिलेक्ट करना होगा, तो मैं पहले इस कुल्हाड़ी वाले को सिलेक्ट करूँगा। तो सामने वाले ने भी वही कैरेक्टर चूज़ किया है। तो भाई मैचेस काफ़ी लंबे होने वाले हैं वैसे, तो देखता हूँ मैं कितने मैचेस इंक्लूड कर पाऊँगा इस वीडियो में। तो शुरुआत हो चुकी है शानदार फर्स्ट स्ट्राइक के साथ। तो लगातार कॉम्बो मारे जा रहे हैं हम इस पे। ओ भाई, तो अभी तक उसको अटैक करने का मौका मिला नहीं है, हम लगातार उसे धोए जा रहे हैं। ओ भाई मस्त फ्लिप, ओ भाई मार जा, अरे अरे भाई सा। अभी तक तो हमने डोमिनेट कर लिया यहाँ पर। तो भाई क्या मस्त फ्लिप फ्लिप मार के मुक्के लाते चढ़ाए जा रहे हैं। तो शैडो है, तो पहला राउंड तो जीत गए आसानी से बहुत ही। तो हमारी एक हेल्थ भी मुश्किल से गई होगी, अभी भी 850 पर होंगे हम, या फिर 800 के अबाव ही होंगे। तो 850 फुल है, तो ज़्यादा एनर्जी नहीं गया हमारा यहाँ पे। तो सेकेंड राउंड स्टार्ट होता हुआ भाई काफ़ी मज़ा। तो इसको भी फर्स्ट स्ट्राइक कर दिया हमने यहाँ पे। तो शायद से मैं एक और मैच इंक्लूड कर पाऊँगा वीडियो में। तो ये पूरा धोबी पछाड़ दे दिया। अरे भाई इसका डैमेज देखो, एक एक हिट पे 100 खाया हम लोगों ने यहाँ पे। तो फिर से एक और धोबी पचार दिया यहाँ पर। ओ भाई ये शेडो पावर इसकी बहुत कमाल की है। तो फिर से धोबी पचार, तो इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि हम हर राउंड में हीरो चेंज नहीं कर सकते, वही हीरो से फाइट करने का जो हमने पहले चूज़ किया। तो दूसरा राउंड भी बहुत आसानी से जीत गए हम यहाँ पर। तो एकदम सिमिलर टीम है हमारे सामने वाले की, शायद से ये भी न्यू प्लेयर होगा। तो काफ़ी चमक रहे हम यहाँ पे। शायद से मैं दो या दो से ज्यादा मैचेस इंक्लूड कर सकता हूँ। ओ चक्रा चक्री चल चालू हो गई भाई इसकी दिवाली की। तो भाई ये भी काफी डैमेज दे रहा है हमें। भाई वन हिट के वो कर दिया यार इसके साइड एबिलिटी ने। एक और मैच लग चुका है यहाँ पर। तो हीरो कौन सा ले, वही लेते हम। तो इस बार दूसरा लेंगे, केट लेते हैं, फीमेल वॉरियर। तो सामने वाले ने भी सेम ही यूज़ किया है, तो अल्टरनेट कलर्स भी काफ़ी सुंदर है यार। इसके बाल येलो है उसके। एक और चार्ज अटैक करने की कोशिश करेंगे हम। तो ओ मस्त फ्लिप फ्लिप मार के, ओ भाई काफ़ी बेहतर। ठीक है,
तो भाई इसके एनिमेशन तो काफी तगड़े है। पटकने के लिए हथियार ही फेंक देते हैं यार सामने वाला। तो इजीली जीत गई, ये राउंड इतना मुश्किल नहीं था। एक मिनट, ये सेटिंग्स ऑन हो गई है। तो राउंड टू चालू हो चुका है। तो ये भाई, ये बंदा काफी खतरनाक है, इसके मुक्के से बचना पड़ेगा, बहुत खतरनाक बंदा है ये। तो क्रिटिकल से लग गया और फर्स्ट स्ट्राइक। तो देख ही सकते हो आप इसका डैमेज कितना बेहतरीन है। तो अरे यार, शैडो एबिलिटी यूज ही नहीं करने को मिली हमें। तो स्पेशल अटैक भी हमने, तो ये शायद से हम हार सकते हैं। नहीं नहीं, जीतने का चांस है, एक हिट चाहिए। ओ ओ ओ, अरे भाई एक हिट हमें या उससे। तो भाई काफी मुश्किल रहा है ये राउंड। ऑलमोस्ट 32 पे ऑलमोस्ट जीत गए, ऑलमोस्ट। बहुत ही कम एचपी बची थी हमारी यहाँ पर। तो पीछे भी काफी बेहतरीन सा एनवायरनमेंट है मेरा, एनवायरनमेंट पे अभी ध्यान दिया। तो ये राउंड इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओ भाई क्या मस्त है यार, टेलीपोर्ट होने वाले वेपन से इसके पास। तो ये भी एक इजी था, एक और इजी विक्ट्री हमारे हाथ। तो ये है आज का आखिरी मैच, होपफुली ये सही से जाए। पिछले दो मैचेस कनेक्शन के वजह से ख़त्म हो चुके थे, तो वो काउंट नहीं हो गए। तो ये हीरो हमने सिलेक्ट किया है, सामने वाले ने केट को सिलेक्ट किया है। तो मुझे अभी अभी ये चेस्ट में से मिला था हेलमेट वाला बंदा। तो भाई काफ़ी बेहतरीन होने वाला ऐसा लग रहा है मुझे ये मैच। ओ भाई शुरुआत, तो इससे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके हाथ में सिर्फ मुक्के हैं, तो इतना रेंज नहीं मिलेगा हमें फाइट करने के लिए। तो किक्स पे ज़्यादा डिपेंड। तो भाई पूरा धोबी पछाड़। तो रुक रुक रुक, अरे भाई अरे रुक रुक, लगातार मारे जा रहे पर इतना कुछ हुआ नहीं हमें। तो अपना डिफेंस ज़्यादा है इससे, तो ये हम पटक के ही जा रही है हमें, और कुछ नहीं हो रहा इससे। तो क्लोज में ही हमें हमला करना पड़ेगा। ये क्या स्टन कर दिया था क्या हमें? तो काफी इजी तो नहीं कहूंगा, मीडियम सा कहूंगा थोड़ा। तो ये इतना मुझे कुछ पसंद नहीं है, हमें क्लोज में जाना होगा अपोनेंट के, तब जाके ये फाइट करेगा। तो अगला मुकाबला है शैंग के साथ। तो आर्मर इसका काफी चमक रहा है, शायद से डिफेंस। अरे अरे मैंने कहा था क्लोज में जाना होगा इसके लिए। ये राउंड थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इस शैंग के पास काफी सारी एबिलिटीज है जो हमें हरा सकती है। और ऊपर से इतना ये फटक रहा है हमें बार बार। तो शैंग का पंखा चालू हो चुका है। ओ ओ, उसका पंखा रोक दिया हमें। मैंने कहा था ये शैंग के खिलाफ काफी मुश्किल होगा, उनके चला पंखे चलाए जा रहा है ये अपना। इसके मुक्के से ज़्यादा तो लाते स्ट्रांग है। तो हो गया पहला राउंड, तो ये राउंड तो हार गए हम। तो अभी हम इसको तलवारबाज को उतारेंगे, लिंक को। तो मैंने इसको अपग्रेड किया लेवल 3 पे, तो अच्छा खासा डैमेज देना चाहिए ये।
तो हम आइस बीम यूज करते हैं। अरे भाई इसका पंखा काफी खतरनाक है, आइस बीम यूज ही नहीं करने दिया इसने हमें। तो आप यूज करते आइस बीम, और क्रिट्स, अच्छा क्रिट्स ही चाहिए थे हमें। तो तलवार बाद ये मोटे ने तो ज़्यादा ही अच्छा ये कर दिया यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना। फिर भी सामने वाला भी काफ़ी खिलाड़ी लग रहा है मुझे, तो मेरे उम्मीद से ये काफ़ी लंबी हो गई मैच यार, और मज़ा भी आ रहा है। तो सामने वाले के पास वो बच्चे, तो हमारे पास दो हीरो बच्चे हैं और सामने वाले के पास बस एक, तो ये ईजी होना चाहिए यहाँ पे। तो राउंड फोर स्टार्ट होता हुआ देखते हैं शुरुआत में इस शैडो एबिलिटी यूज़ कर पाते हैं क्या इस पर, कि इसका ये एबिलिटी बहुत हो गया काफ़ी डैमेज देगा ये। जैसे कि आप देख सकते हो लगभग 300 का डैमेज दिया उस शैडो एबिलिटी का। तो सप्लिक्स होल्ड, क्या ब्लॉक किया यार, ब्लॉक ज्यादा कर रहा है, अटैक कम कर रहा है वो। आइस बीम इस्तेमाल कर, अरे भाई यार पीछे चला गया। तो ये ऑलमोस्ट एक हिट और मार देता भाई, खत्म हो जाता इसका खेल। तो एक और आसान सी जीत तो नहीं कहूंगा, ये थोड़ा मुश्किल चैलेंज था और काफ़ी लंबा मैच गया, 5 मिनट तक मैच गया यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में, होपफुली आपको मज़ा आया होगा शैडो फाइट के वीडियोस के लिए। आगे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, इस बार शायद से आउट्रो लेम नहीं है।